શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા, કક્ષા 5, વિષય હિન્દી, પાઠ 1, કૈસા શોર. ઇસ પાઠ કા સાહિત્ય પ્રકાર હૈ ચિત્ર કહાની. વિદ્યાર્થી મિત્ર, આજ હમ ચિત્ર કે આધાર પર કહાની ઓર કથન કરના હૈ. આપકો ચિત્ર દેખકર ઉસકા વર્ણન કરના હૈ. ચિત્રો કે આધાર પર કહાની યા કથન કીજીએ. यहाँ मैंने आपको एक चित्र दिखाया है. एक हाथी था, वह रोज पेड़ के पत्तों को तोड़कर खाता था. वह पत्तों को खाने के साथ उनकी डालियों को भी मस्ती में तोड़ देता था. तो पहले चित्र में क्या दिखाई दिया था? हाथी था, वो रोज पेड़ के पत्तों को तोड़कर खाता था और डालिया के पत्ते खाते खाते वह उनकी डालियों को भी तोड़ देता था. अब हम दूसरे चित्र में देखेंगे. खाने से ज़्यादा वह अपनी शरारत से पेड़ों को नुकसान पहुंचाता था. वो पत्ते तो खाते थे, इनसे ज़्यादा क्या करते थे शरारत? तो क्या पेड़ों को नुकसान पहुंचाता था. पेड़ ने उसे एक दिन समझाया कि तुम पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ. पत्ते तुम खा सकते हो, उतना खाओ, लेकिन डालों को मत तोड़ा करो. तो पेड़ ने उसे समझाया कि आपको जितना खाना है इतना खा लो, लेकिन डालों को मत तोड़ा करो. हाथी समझ ना पाए, वो रोज अपनी शरारत करता. वो समझता नहीं था, वो रोज अपनी शरारत करते रहता था. अब हम तीसरे चित्र को देखेंगे. एक दिन ऐसा आया कि पेड़ों की छाया न रही, धूप बढ़ने लगी, गर्मी अधिक पड़ने लगी, जिससे हाथी परेशान हुआ और उसने पेड़ों को नुकसान न पहुँचाने का संकल्प किया. देखिए, गर्मी पड़ रही है, उसने पत्ते तो खा लिया, लेकिन शरारत करते करते उसने पेड़ की डालियों भी तोड़ डाली, इसीलिए गर्मी अधिक बढ़ने लगी. गर्मी बढ़ने से हाथी परेशान हुआ और मन में संकल्प किया कि अब मैं पेड़ों को नुकसान न पहुंचाऊंगा. ऐसा संकल्प किया. अब हम अंतिम चित्र को देखेंगे. इस चित्र में हाथी ने पेड़ को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, जिससे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए. पेड़ को हाथी का यह काम पसंद आया और वह हाथी को दुआ देने लगा. हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. किसी को भी नुकसान पहुंचाने पर फिर हमारा भी नुकसान होता है. तो आप देख सकते हैं, चित्र नंबर 4 में हाथी ने पेड़ को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, क्योंकि पेड़ के डाले तोड़ने से हाथी को ही गर्मी होने लगी, वो परेशान होने लगा और धूप बढ़ती जा रही थी, पेड़ की छाया न रही, इसलिए उसे संकल्प कर दिया कि अब मैं पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जिससे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए. और पेड़ को भी हाथी का यह काम बहुत पसंद आया और उसने उसे दुआ दे दी. तो इस कहानी से, एक चित्र कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं विद्यार्थी मित्रों? तो कि हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या होता है? किसी को भी नुकसान पहुंचाने पर फिर हमारा ही नुकसान होता है. आपने देखा कि हाथी को ही नुकसान हुआ. क्या हुआ? वो पेड़ की छाया में बैठ न सका, गर्मी होने लगी और वो परेशान हो गया. तो अब भी ऐसा कार्य नहीं करना कि नुकसान करने से हमारा ही नुकसान हो. अब हम ऐसे ही चित्र के आधार पर आपको लेखन करना है और यहाँ आप चित्र देख सकते हैं. चित्र को ध्यान से देखना है, चित्र में क्या क्या है, कौन कैसी प्रवृत्ति कर रहा है. तो आप देख सकते हैं, चित्र देखकर ही आपको ख्याल आ जाता है. चित्र में सब्जी मंडी को दिखाया गया है, शाक मार्केट, सब्जी मंडी यानी शाक मार्केट बताई, जहाँ फल और सब्जियाँ बिक रही है. तो के त्या शूँ शूँ वेचाई से? तो के शाक भाजी और फल वेचाई रहा से. सब्जी और फल खरीदने कई लोग इस मंडी में आए हैं. शाक मार्केट से घना लोग શાક અને ફળ ખરીદવા માટે આવ્યા છે. ફળ ઓર સબ્જીઓ કી દુકાન સજી હુઈ હૈ.
दुकान छे ए शणगारेली छे। सब्जी बेचने वाले जमीन पर सब्जी टोकरी में रखकर बेच रही है। तो कि सब्जी बेचने वाली जो स्त्री है वो अपनी टोकरी यानी कि शाकभाजी ना टोपला लेने नीचे बैठी रही छे। सब्जी वाला लारी में सब्जी सजा कर बेच रहा है। जो लारी है वो सब्जी वाला है वो भी लारी में व्यवस्थित गोठवीने शाक भाजी वेची रहे हैं। बाजार में लौकी आलू टमाटर बैंगन मिर्ची भिंडी और पत्ता गोभी जैसे सब्जियां बिक रही है। लौकी यानी दूधी आलू यानी बटाटा टमाटर यानी टमेटो बैंगन यानी रिंगन मिर्ची यानी मरचू भिंडी यानी भिंडो और पत्ता गोभी यानी फूल गोभी अलग अलग बधी शाकभाजी शाकभाजी यार्ड छे त्या वेचाई रही है। फल की दुकान में कई प्रकार के फल सजे हुए हैं। मंडी में कुत्ता भी खड़ा दिखाई रहा है। तो शाक मार्केट छे त्या कूतरो पण उभो एवू देखाय छे। तमारे पहला सौ प्रथम आखू चित्र व्यवस्थित जोई लेवानू छे पछी ते तमारे ई चित्रनू वर्णन करवानू छे। विद्यार्थी मित्रों हमने सेमेस्टर वन में खाना खजाना चित्र का वर्णन किया था। आप अब बड़े हो गए हैं। आपको सेम वन और टू में चित्र वर्णन की कहानी लिखना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखें तो आप पूरा ही पूरा मार्क ले सकते हैं। अब हम आपको एक होमवर्क में देते हैं। दिए गए चित्रों के बीच में भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। दो चित्र दिए गए हैं आपको, आपको इसका वर्णन करना है। दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है। तो पहला मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में आपको ये तफावत है या भेद है आपको लिखना है अपनी बुक में। तो पहला मैं आपको दिखा देती हूँ। चित्र नंबर एक में यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर एक में आप देख सकते हैं वहाँ क्या दिखाई दे रहा है, पहाड़। तो चित्र नंबर दो में आप देखें यहाँ पहाड़ नहीं है। ऐसे ही आपको दोनों में क्या क्या अंतर है वो आपका होमवर्क है और आपको अपने बुक में लिखना है।